डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भूमिगत जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने भूमिगत जल का तात्पर्य, भूमिगत जल के स्रोत, भूमिगत जल द्वारा होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जैसे कि अपरदनात्मक क्रियाएं, परिवहन क्रिया और निक्षेपात्मक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं कास्ट स्थलाकृति के बारे में। तो पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के कास्ट क्षेत्र में मिलने वाली चूने की पत्थर वाली चट्टानों पर निर्मित स्थलाकृति के आधार पर ही अन्य क्षेत्र की चूने की चट्टान वाले स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो युगोस्लाविया में जो कास्ट क्षेत्र मिल रहे थे, उनके नाम के आधार पर ही या उन्हीं के आधार पर ही विभिन्न भागों में मिलने वाले चूने की चट्टान वाले स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। कास्ट शब्द पूर्ववर्ती युगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया है और पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के वास्तविक कास्ट प्रदेश के अलावा विश्व में कास्ट स्थलाकृति का विकास दक्षिणी फ्रांस के कासिस क्षेत्र, ग्रीस, स्पेनिश अंडालूसिया, उत्तरी पोर्टोरिको, जमैका, पश्चिमी क्यूबा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण इंडियाना, पश्चिमी मध्य केंटुकी, वर्जीनिया, टेंसी तथा मध्यवर्ती फ्लोरिडा प्रांतों में हुआ है। इन कास्ट क्षेत्र उपयुक्त सभी क्षेत्रों को कास्ट क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कास्ट स्थलाकृति का पूर्णतया विकास हुआ है। तो ये पूछा जाता है बहुत से कंपटीशन एग्जाम में कि कास्ट स्थलाकृति का विकास जो है वो किन किन क्षेत्रों में हुआ है और कास्ट शब्द का जो प्रयोग है वो किस शब्द से बना हुआ है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कास्ट स्थलाकृति को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से, जिसमें एक साइड में हम इस तरह की कास्ट स्थलाकृति देख रहे हैं और दूसरी साइड में दूसरी प्रकार की कास्ट स्थलाकृति देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कास्ट स्थलाकृति के सदृश यानी उसके समान ही कुछ स्थल रूपों का विकास हुआ है, उनको गौण कास्ट क्षेत्र कहा जाता है। तो इनमें से जो प्रमुख रूप से गौण कास्ट क्षेत्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको का कालस्वाद क्षेत्र, इंग्लैंड का चाक क्षेत्र, फ्रांस के चाक क्षेत्र, जूरा पर्वत के भाग, आल्प्स और एपिनाइंस पर्वतों के कुछ भाग हैं जो प्रमुख कास्ट या गौण कास्ट क्षेत्र कहलाते हैं। भारत में हिमनद क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, बिहार के रोहतास पठार, पूर्वी घाट आदि में चूना पत्थर पर निर्मित स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। तो ये भारत में भी बताया गया कि हिमनद क्षेत्र, जिसमें खासकर जम्मू और कश्मीर, देहरादून के पास सहस्त्रधारा, रॉबर्ट कंद्रा, टपकेश्वर कंद्रा, ये सभी जो हैं वो भारत के हिमनद क्षेत्र। इसके अलावा पूर्वी हिमालय और बिहार का जो रोहतास पठार है उसकी विशेष रूप से गुप्तधाम कंद्रा, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और बस्तर जिले और पूर्वी घाट में विशाखापट्टनम के पास जो है चूना पत्थर की विशिष्ट स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक है, जिसमें नंबर वन है शुद्ध लाइम स्टोन सेल होनी चाहिए, यानी शुद्ध लाइम स्टोन सेल कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए होनी चाहिए। लाइमस्टोन के अलावा डोलोमाइट सेल में भी जो है कास्ट स्थलाकृति का विकास हो सकता है। घुलनशील चट्टान में संधियों का विकास भी अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उसके अलावा कास्ट क्षेत्र में विस्तृत और गहरी घाटियाँ भी होनी चाहिए। तो ये सभी जो दशाएँ हैं वो कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए है। अंतिम दशा है कास्ट स्थलाकृति का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया द्वारा होता है,
अतः क्षेत्र में भूमिगत जल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। तो काष्ठलाकृति के विकास के लिए जरूरी है कि लाइमस्टोन सेल हो या डोलोमाइट सेल हो, और सेलों में जो संधियां हैं उनका विकास अच्छी तरह से हो, गहरी घाटियां भी होनी चाहिए और जल की भी जो पूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी जो शिलाकृति हैं उनका विकास या उनका निर्माण होना संभव है। अब हम यहाँ देख रहे हैं काष्ठ शिलाकृति के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, जिसमें है लैपीज, दूसरा है गोल रंध्र और उससे संबंधित रूप, जिसमें है गोल रंध्र जिसको सिंक होल्स कहते हैं, विलयन छिद्र, डोलाइन, कास्ट झील और कॉकपिट, ये सभी गोल रंध्र और उससे संबंधित रूप है। उसके बाद में है कास्ट खिड़की, उसके पश्चात युवाला, पोलिए, कास्ट प्रदेश की घाटियाँ, घाटियों में प्रमुख रूप से है धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी और कास्ट घाटी या घोल घाटी, ये कास्ट प्रदेश की घाटियां हैं। उसके बाद में कास्ट गुफा और प्राकृतिक पुल, ये सभी जो है अपरदनात्मक स्थल रूप है जो भूमिगत जल के द्वारा या कास्ट प्रदेशों में बनने वाले स्थल रूप है। यहाँ इस स्लाइड पे आप कास्ट फीचर्स के बारे में देख रहे हैं, ये डोलाइन को दिखाया गया है, ये पोलजे, ये युवाला, ये पोनोर, ये इस तरह से, ये कास्ट कोन, कास्ट टावर, ये सब स्थलाकृतियाँ या कास्ट फीचर्स इसमें इस फोटो में दिखाने का प्रयास किया गया है। इस डायग्राम में आपको सब कुछ तरीके से या विस्तृत रूप से आपको दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अपरदनात्मक स्थल रूप में पहली स्थलाकृति लैपीज के बारे में। तो घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ और असमान हो जाती है। तो इस तरह की स्थलाकृति जो बनती है, जो असमान या उबड़ खाबड़ सतह बनती है, उस स्थलाकृति को कहते हैं लैपीज। लाइमस्टोन की खुले सतह पर जल चट्टानों की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगता है और छोटी छोटी शिखरिकाएं यानी रिजेस का निर्माण हो जाता है और जिसकी दीवारें खड़ी होती है। इस तरह के खड़े किंतु पतले और नुकीले कटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे से समानांतर होते हैं और संकरी दरारों के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस तरह की जो आकृति है वो लैपीज कहलाती है। विभिन्न कास्ट क्षेत्रों में लैपीज को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे कि इंग्लैंड में इसे क्लिंट कहते हैं, जर्मनी में इसे कैरन कहते हैं, सार्बिया में इसे बोगाज कहते हैं और डालमेशियन क्षेत्र में इसको लैपीज कहते हैं। तो ये जो इसके विभिन्न नाम है, इसके बारे में बहुत सारे कंपिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जगह में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो इंग्लैंड में इसे क्लिंट, जर्मनी में इसे कैरन, सार्बिया में बोगाज और डालमेशियन क्षेत्र में इसे लैपीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, यहाँ ये लैपीज को दिखाया गया है कि लैपीज, ये देखिए, संकरी दरारों के द्वारा अलग होती है और ये ऊपर से शिखरिकाएं होती हैं और ये उबड़ खाबड़ एक धरातल का निर्माण होता है। यहाँ भी ये लैपीज को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं गोल रंध्र और उससे संबंधित रूप के बारे में। इसमें चूने की चट्टान वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसके साथ मिलती है और मिलने के बाद में सक्रिय घोलक का काम करती है, जिससे वो जो जल होता है वो संधियों में प्रवेश कर जाता है और घुलनशील तत्वों को अपने साथ में घोल लेता है। इस घुलनशील क्रियाओं के कारण क्या होता है, संधियों का विस्तार हो जाता है और छोटे छोटे असंख्य छिद्रों का निर्माण हो जाता है। इन्हीं छिद्रों को कहा जाता है घोल रंध्र। तो सबसे पहले जो रंध्र बनेंगे वो घोल रंध्र बनेंगे, और जब घोल रंध्रों का विस्तार हो जाता है तो अन्य प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। आकार की दृष्टि से गोल रंध्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर वन है कीपाकार गोल रंध्र और दूसरे प्रकार के हैं बेलनाकार गोल रंध्र। या तो वो कीप के आकार के गोल रंध्र होते हैं या बेलन के आकार के गोल रंध्र होते हैं। मुख्य रूप से ये घुलन क्रिया द्वारा सबसे पहले बनने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार हो जाता है, यानी घोल रंध्रों का जब विस्तार हो जाता है घुलन क्रिया द्वारा, तो घोल रंध्र आकार में बड़े हो जाते हैं। इस तरह के विस्तृत घोल रंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं और विस्तृत घोल रंध्र को कहते हैं विलयन छिद्र। तो सबसे पहले बनेंगे घोल रंध्र, उसके पश्चात बनेंगे विलयन छिद्र।
विलयन रंध्र को गोल द्वारा निर्मित छिद्र कहते हैं। जब इनके छिद्रों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उन्हें डोलाइन कहते हैं। तो पहले गोल रंध्र बनता है, उसका आकार बड़ा हो जाने से विलयन छिद्र बनेगा, और अधिक आकार बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं डोलाइन। पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के कास क्षेत्र में विस्तृत छिद्रों को डोलाइन और सार्बिया में इनको डोलिनास कहते हैं। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि सार्बिया में डोलाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं डोलिनास। तो सबसे पहले गोल रंध्र बने, उसके बाद में विलयन छिद्र, उसके बाद में डोलाइन। कभी कभी मृतिका द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है। तो कई कई बार क्या होता है, डोलाइन का जो निचला छिद्र है उसमें मृतिका का जमाव हो जाता है, तो वो छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है, जिससे जल रिस करके नीचे नहीं जा पाता। इस कारण डोलाइन में जल का संचय होने लगता है और छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं कास्ट छिद्र। तो डोलाइन का छिद्र जब रुक जाता है मृतिका के जमाव के द्वारा, तो जो निर्माण होता है कास्ट झील का। धरातलीय सतह के ध्वस्त होने से निर्मित चट्टानी दीवार वाले खड़े ढाल से युक्त गर्त को कहते हैं कॉकपिट। अब जब धरातलीय सतह जो होती है वो पूरी ध्वस्त हो जाती है, तो एक जो दीवार खड़ी रहती है उसी को कहते हैं कॉकपिट। तो सबसे पहले बनता है गोल रंध्र, फिर विलयन छिद्र, फिर डोलाइन, और डोलाइन के तल में ही यदि मृतिका का जमाव हो जाए और पानी इकट्ठा होने लगे तो वो कास्ट झील, और जब धरातलीय सतह ध्वस्त हो जाए तो कॉकपिट का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं कास्ट खिड़की के बारे में। जब डोलाइन या विलयन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से विस्तृत छिद्र का निर्माण हो जाता है, तो उसका ऊपरी भाग खुला होता है, तो कास्ट खिड़की कहते हैं। तो कास्ट खिड़की का निर्माण भी जब डोलाइन या विलयन छिद्र की जो ऊपरी सतह होती है उसके ध्वस्त हो जाने से, जब वो छिद्र होता है वो बड़ा हो जाता है तो ऊपरी भाग खुला रहता है, वो एक खिड़की नुमा आकृति बन जाती है, उसको कहते हैं कास्ट खिड़की। अब हम बात कर रहे हैं युवाला के बारे में। तो युवाला के लिए हिंदी में प्राय सैकुंड शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसको हम सैकुंड भी कह सकते हैं। और युवाला का जो निर्माण होता है वो कई परतों में होता है, और लगातार घोलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जब बहुत सारे डोलाइन मिल जाते हैं आपस में, डोलाइन के मिलने से एक बड़े गर्त का निर्माण होता है, तो उसको हम विस्तृत गर्त या युवाला कहते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले गोल रंध्र बनेगा, विलयन छिद्र बनेगा, फिर डोलाइन बनेगा, और बहुत सारे डोलाइन जब आपस में मिल जाते हैं तो युवाला का निर्माण होता है। और असंख्य गोल रंध्र भी विस्तार के फलस्वरूप जो निर्माण करते हैं वो युवाला का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें संयुक्त या मिश्रित गोल रंध्र भी कहा जाता है। युवाला का व्यास जो होता है वो 1 किलोमीटर तक हो सकता है, और इतने विस्तृत होते हैं कि इसमें धरातलीय नदियां तक भी लुप्त हो जाती है, जिससे उनकी धरातलीय घाटियां सूख जाती है। छोटे छोटे युवाला को जामा की संज्ञा प्रदान की जाती है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि छोटे छोटे युवाला को किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहलाते हैं जामा। अब हम बात कर रहे हैं पोलिए के बारे में। पोलिए को हिंदी में राजकुंड नाम से जाना जाता है, और ये युवाला से भी बड़ा गर्त होता है, यानी युवाला के पश्चात की जो अवस्था होती है वो पोलजे या पोलिए कहलाती है। युवाला का क्षेत्रफल कुछ एकड़ तक ही होता है, परंतु पोलजे का क्षेत्रफल जो होता है कई वर्ग किलोमीटर तक होता है, यानी युवाला का भी जो विस्तृत रूप है वो पोलिए या पोलजे कहलाता है। पश्चिमी बालकन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत पोलिए लिवेनो पोलिए है, जिसकी लंबाई जो है 40 मील है और चौड़ाई 3 से 7 मील है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि लिवेनो पोलिए जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो यूरोप में पश्चिमी बालकन क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं गोल रंध्रों को दिखाया गया है, विलयन छिद्र को दिखाया गया है, ये डोलाइन को दिखाया गया है, ये युवाला यानी डोलाइन से जो विस्तृत रूप है वो युवाला, और ये जो सबसे बड़ा रूप है वो पोलिए या पोलजे कहलाता है, इधर भी ये युवाला है। तो इस स्लाइड से हम देख पा रहे हैं कि छिद्रों का आकार किस तरह से बढ़ता जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कास्ट प्रदेश की घाटियों के बारे में। तो पहली जो होती है वो धस्ती निवेशिका, यानी कास्ट मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक छिद्र हो जाते हैं कि समूची जो यानी संपूर्ण जो सतह है वो एक छलनी के समान, जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं,
वो दिखाई देती हैं और जिसकी गोल छिद्र कीप का कार्य करते हैं। जब छिद्रों या विद्रोह से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उससे कहते हैं धस्ती निवेशिका, यानी वो जो नदी उन छिद्रों के ऊपर से बहती है वो नीचे चली जाती है और उसको कहते हैं धस्ती निवेशिका, तथा जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे सिंक कहते हैं। नदी का जल प्राय विलयन छिद्र से ही अदृश्य होता है तथा यह सिंक बिंदु जो होता है वो दिखाई पड़ता है। जो सिंक बिंदु होता है जहाँ से जल नीचे की तरफ प्रवेश करता है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जो नदी नीचे की तरफ चली जाती है उसको कहते हैं धस्ती निवेशिका। दूसरी प्रकार की घाटी है अंधी घाटी। जिस स्थान पर सिंक या नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है उसके आगे सतह पर नदी की घाटी जो शुष्क रहती है वही कहलाती है अंधी घाटी। और तीसरी प्रकार की घाटी है काष्ठ घाटी या घोल घाटी। ये बनती है अधिक वर्षा के समय जब पृष्ठीय नदियाँ होती है वो कुछ समय तक तो प्रवाहित होती है और बाद में अपनी चौड़ी यू आकार की घाटी का निर्माण करती है। इन घाटियों को घोल घाटी या काष्ठ घाटी कहते हैं। तो काष्ठ प्रदेश में जो पाई जाने वाली घाटियाँ हैं वो तीन प्रकार की है, धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, काष्ठ घाटी या घोल घाटी। अब हम यहाँ इस स्लाइड पर देख रहे हैं ब्लाइंड वैली को दर्शाया गया है या अंधी घाटी को दर्शाया गया है। ये देख रहे हैं आप अंधी घाटी को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कास्ट या गुफा के बारे में। भूमिगत जल के अपरदन के द्वारा निर्मित कंदराएं कास्ट प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। ये भूमिगत जल की अपरदन क्रिया द्वारा बनी होती है और गुफानुमा जो संरचना बनती है चुन्ने प्रदेश में वही कहलाती है कास्ट या गुफा। कंदराएं ऊपरी सतह के एक रिक्त स्थान के रूप में होती है जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण की क्रिया द्वारा होता है। यानी ये भूमिगत जल की घुलन क्रिया या अपघर्षण की क्रिया के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्लसबाद कंदरा तथा मैमथ कंदरा जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कंदराएं हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्लसबाद कंदरा और मैमथ कंदरा जो है वो कहाँ पर है। भारत में देहरादून, दक्षिणी पश्चिमी बिहार के रोहतास पठार जहाँ पर है गुप्तधाम कंदरा, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है कुटुम्बसर, चित्रकूट में है, सताना जिले के गुप्त गोदावरी आदि में कंदराएं जो होती हैं वो मिलती हैं। यहाँ कास्ट या गुफा ये देखने को आ रही है हमें फोटो के माध्यम से, ये गुफा हमें दिखाई दे रही है। दूसरी साइड में ये भी एक तरह की गुफा जो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है उनको फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक पुल। पुल यानी और आगे लगा हुआ है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक रूप से स्वतः निर्मित पुल होता है ये। सामान्य रूप से प्राकृतिक पुलों का जो निर्माण होता है वो दो रूपों में हो सकता है, या तो कंदरा की छत यदि ध्वस्त हो जाए तो और उसका कुछ भाग जो है एक पुल के रूप में बचा रहे तो वो अवशिष्ट भाग कहलाता है प्राकृतिक पुल। और लाइमस्टोन क्षेत्र में जब नदी विलयन छिद्र से होकर लुप्त हो जाती है, यानी जब वो छिद्रों के द्वारा नदी सिंक स्थान से नीचे चल जाती है तो नीचे जाकर के वो अपघर्षण और घुलन क्रिया द्वारा कंदरा की छत का निर्माण करती है और वापस से सतह पर प्रकट हो जाती है। और जब इस कंदरा की जो छत होती है वो नीचे की तरफ धस जाती है तो छत का जो शेष भाग होता है वो दोनों पार्श्वों को जोड़ता है वही कहलाता है प्राकृतिक पुल। यहाँ इसमें आप देख रहे हैं इस फोटो में प्राकृतिक पुल को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये ऊपर का भाग जो है वो इन दोनों को जोड़ रहा है। इसी के साथ ये इसका भाग द्वितीय यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में पुनः आप सभी का धन्यवाद।